दोस्तों पारंपरिक तरीके से घर पर काजल कैसे बनाया जाता है अभी हम इसको सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर आपको जो सामग्री चाहिए पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चाहिए शुद्ध देसी घी। शुद्ध देसी घी का काजल दोस्तों आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, यदि आपके घर का बना हुआ है तो दोस्तों और भी वो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। शुद्ध देसी घी ले लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों एक दीपक और उसके अंदर ऐसी इस टाइप की रुई, या इस टाइप की आपके पास रुई नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं, जो नॉर्मल रुई है उसको ऐसे करके आप बना सकते हैं, जो कि बीच में रहेगी बिल्कुल दीपक के, और चारों ओर हम पत्थर रख देंगे। अब इसमें हम अपना घी डालेंगे। तो दोस्तों हम अपने काजल को देखते हैं कि कितना तैयार हुआ है, क्या हुआ है, तो इसके लिए हम इसको हटाया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोस्तों ये हमारा संपूर्ण काजल ही है, और यहाँ पे हमारा घी पूरी तरीके से जल गया है। आगे का प्रोसेस देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम हैं जो इसको दोस्तों इसको हमने इसमें यहाँ पे जो काजल रखने का बर्तन है जो कुंपली कहते हैं उसमें डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल थोड़ी मात्रा में इसमें घी मिलाया जाता है। अभी दोस्तों पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुआ है तो थोड़ा घी और डालना पड़ेगा। काजल तैयार हो गया। तो दोस्तों ये हमारा काजल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं
यहाँ पर एकदम अच्छे से ओके। धन्यवाद दोस्तों। तो इस तरह के आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।